इनसे जल्दी छुटकारा चाहिए। क्या करें हम? केक का टुकड़ा देखो, पंख तोड़ने वाला कहाँ है? बस हम पहुँच ही गए। तैयार हो जाओ, हम लोग मिलकर उनकी दुनिया तबाह करते हैं। आराम से। तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? हमें पक्षी के पास लेकर चलो। ये जगह काफी खतरनाक लग रही है, पर वहाँ पहुँचने का यही एक रास्ता है। तैयार हो जाओ। अपनी संभाल के। लगता है आज हमारा दिन अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। खुजली वाला जंगल, मुझे डर लग रहा है। सुनो, अभी हम लोग कमजोर नहीं पड़ना है, यही एक तरीका है। बलवान बनो, जल्दी हम उसे छुटकारा पा लेंगे। फिर से क्यों चिल्ला रहे हो? चलो चलते हैं। हाँ हाँ। रुको, क्या ये कांटेदार पत्ते हैं? पकड़ो, चिड़िया उधर है, जल्दी। इस बार उन्हें हम डरा देंगे। हाँ, जहरीली है, जरा धीरे चलो। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक बात बताओ, हम खतरनाक रास्तों से क्यों जा रहे हैं? वही एक रास्ता है वहाँ जाने के लिए, यही हमें पता है। झाड़ियों के इर्द गिर्द घूमना बंद करो, हमें वहाँ ले चलो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हम लोग बस वहाँ पहुँच ही चुके हैं। रुक क्यों गए? ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अब और कोई चालाकी नहीं चलेगी। वो चालाक पक्षी कहाँ है? शायद उधर, शायद तुम्हें तो पता ही है। मैं भूल गया। ओ, तुम भी भूल गए? क्या इत्तेफाक है, मैं भी भूल गया। तुम लोग जंगल में भटक गए हो क्या? तुम्हें इस इलाके में होशियारी से रहना चाहिए। ये तो उसकी जैसा दिख रहा है। पंख तोड़ने वाले के हरे पंख है, वो ये नहीं है। तुम सब यहाँ से वापस चले जाओ, तुम में से कोई भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। हम एक अजीब पक्षी को ढूंढ रहे हैं जिसे पंख तोड़ना पसंद है, क्या तुमने उसे देखा है? वो पक्षी, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें पता है क्यों? मैंने उसे देखा है, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। उसने तुम्हें भी पकड़ा था? वो राक्षस तालाब के पक्षियों को भी डरा रहा है, हमें पता करना होगा वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस घने जंगल में बहुत ज्यादा खतरा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, हमें उसे पकड़ना होगा। वो राक्षस घने जंगल के बीच में है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ये अच्छा है। अब तो तुम्हें गाइड मिल गया, अब हम लोग चलते हैं घर। चले, रुको, मेरे साथ चलो, वो पक्का जल्दी में है। वो इतना तेज उड़ रहा है, थोड़ा आराम करते हैं। तुम लोग बहुत धीमे चल रहे हो, मैं आगे देख कर आता हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा, यहीं रुकना तुम लोग। उसे थोड़ा धीरे उड़ना चाहिए। वो चिड़िया कौन था? वो इसे इस जंगल में पहले तो कभी नहीं देखा, तुम्हें कुछ अंदाजा है क्या? मुझे कैसे पता होगा? बचाओ, बचाओ। क्या तुमने वो सुना? वो आवाज तो दोनों सियार की तरह थी। वो यहाँ है, चलो। लखा रुको, हमें वापस जाना होगा, उन सियार को चोट लगी होगी। वो पक्षी यहीं पर है, जल्दी करो, पकड़ लो उसे। हमने भेड़ियों को चिल्लाते हुए सुना है, थोड़ी दूर पर। ओ, इसका मतलब वो खतरे में है। तुम्हें जाकर पता करना चाहिए। पर वो अभी दिखा था हमें उन्हें। कैसा रहे, हम बढ़ जाएं तो? कैसा रहे?
रहेगा अगर हम दो हिस्सों में बढ़ जाए। बबलू और डब्लू सीआरओ के पास जाओ, मैं और लखा पक्षी के पीछे जाते हैं, ठीक है? नहीं, ये खतरनाक काम अकेले नहीं कर सकते। पर वो दोनों अगर कोई जाल बिछा रहे हो तो तुम दोनों उन दोनों को मिलकर संभाल लोगे। हमें सही तरीका अपनाने की जरूरत है। हम निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे जिससे तुम हमें ढूंढ सको। चलो ठीक है, पर सावधानी से। काली, यहाँ पर। क्या वो राक्षस है? चलो चलकर देखें। माफ करना, ये वो नहीं है। ये क्या है? हिलना मत, संभल कर, तुम तेजी से धस रहे हो। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते बेवकूफो। तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब बचे वो दोनों भालू, उसके बाद मेरी सारी समस्या खत्म। नहीं। वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा डब्लू, आखिर वो कहाँ गए होंगे? वैसे तुम्हें क्या लगता है भाई? मुझे लग रहा है वो दूसरे पक्षी ने झूठ बोला है, क्या ये कोई साजिश तो नहीं? एक जाल। ए रुको, किस रास्ते पर जाना है? ए बा, इधर देखो, एक निशान जरूर काली ने छोड़ा होगा। इस तरफ। ये तो काली और लखा है। मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। चलो आओ देखते हैं। डब्लू, बबलू, लखा, काली, रुको, वहाँ दलदल है। दलदल? पीछे रुको। बाल बाल बचे। तुम लोग कस के पकड़ो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम लोग यहाँ बहुत जल्दी पहुँच गए, तुम लोग फंस ही गए ना मेरे जाल में। कैसा लग रहा है? फिक्र मत करो, वो सियार मेरे दोस्त हैं, वो ठीक होंगे। तुम बदल भी हो बूढ़े पंचे। शांत रहो, पहले उनको बचाना है। अगर हमारे पास पुल होता तो हम बचा लेते। पुल? डब्लू मेरे पीछे आओ। संभल कर, वो नहीं धस रहा। हाँ मुझे पता है, पेड़ की छाल बहुत चौड़ी है, वो आसानी से नहीं धसेगी। बबलू बहुत समझदार है। भाई अब तुम नहीं बच सकते। अरे ये तो चला गया। ओए, ओए, चलो देखते हैं तुम कब तक बचते हो। मैं तुम्हें बचाऊंगा दोस्तों। बबलू उसको देखकर रुक जाओ। ध्यान से। चलो डब्लू, मार दो उसे। ऐसे करते रहो। कर रहे हो? मैं धस रहा हूँ, मैं मौत के बिल्कुल करीब हूँ। रुको, अब इसमें क्या है? मैं कुछ करता हूँ। लगता है तुम लोग बकवास ज्यादा करते हो, काम कम। चलो अब मुझे रोक के दिखाओ। मैं अपने दोस्तों को बचा करूंगा दुष्ट पंछी। क्या तुमने कभी पटाखे देखे हैं? लगता है मैंने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। खतरनाक हथियार, बस देखते जाओ क्या होता है। वैसे आज का दिन तो बहुत बुरा था। दूसरा पक्षी कहाँ है? हमने उसे पकड़ लिया, फिर वो गायब हो गया। मुझे लगता है वो भी राक्षस की तरफ से है। हमें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो पंख चोर को पकड़ते हैं। शायद हमें घर जाना चाहिए, ये खतरनाक है। अगर हम फिर से मुसीबत में फंस गए तो? ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसने और पंख चुरा लिए तो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। डब्लू सुनो, वो पंख क्यों चुरा रहा है, उसकी क्या वजह है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम स्वीटी को जाकर क्या बताएंगे और उन पक्षियों को? ये तो सच है। डब्लू बहादुर बनो। अब हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चलो इस रास्ते से। ठीक है। काली ये पकड़ो। चलो चलते हैं।
यहाँ अंदर गया है। जल्दी करो। रास्ता नहीं है दोस्तों, मुझे रास्ता मिल गया। ओए, खूबसूरत है, जरा देख के। बाल बाल बच गया। दोस्तों संभल कर, अब ये क्या है? क्या यही दापंग का मंदिर है? दापंग का मंदिर? हाँ, दापंग का मंदिर। मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था। मैंने सोचा नहीं था कि ये सच है। यही है वो पंख तोड़ने वाला। ठीक है, चलो चल कर देखते हैं। राक्षस, तुम भाग नहीं सकते। हिलना मत। क्या सजा होनी चाहिए मेरे महल में घुसपैठ करने की? बंद कर दो इन्हें। इस मंदिर को अलविदा कहने का समय आ गया है। और यह खूबसूरत नहीं है। ये तो अद्भुत है। ये ट्रिप तो बहुत अच्छी है। तो खाना कौन खाएगा? मेरा झंडा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम यहाँ घूमने नहीं आए हो। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम पंछी का पीछा कर रहे थे कि वो कहाँ जा रहा है। ऐसा है तो तुम अच्छे इंसान हो जिन्होंने हमारी मदद की। सैनिकों, इन्हें आने दो। हाँ चलो। तो तुम लोग यहाँ एक राक्षस को पकड़ने के लिए आए हो? क्या तुमने देखा है उसे? वो इसी तरफ आया था। क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है, इसलिए मैं इसे खुद देखूंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी उससे लड़ा है, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते कोई हैं। जरूरत नहीं। क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक है? नहीं। बच के। तुम बहुत दूर से आए हो, तुम सबको भूख लगी होगी। तुम हमारे यहाँ के स्वादिष्ट खाने का मजा लो। मुझे लगता है ये जाल है। कौन है तुम? मैं बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान, सुनहरा बाज हूँ। राजा हूँ इस महान साम्राज्य का। मजा आ गया। तुम वही राजा हो जिसके बारे में स्वीटी बोल रही थी। बेचारी गरीब चिड़िया, मैं उसके पंख ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। मैं वादा करता हूँ। वैसे तुमने खाने की बात की थी, चलो उसके बारे में बात करते हैं। खाने का मजा लो। समझो कि तुम्हारा ही घर है, पेट भर कर खाना। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तुम्हें कैसे पता स्वीटी के पंख तोड़ दिए गए हैं? वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या तुम्हें पता है वो अपने पंखों को खोने के बाद कितनी दुखी थी? उसने पहले ही पंछियों का राज्य छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। बेचारी चिड़िया, मैं उस राक्षस को पकड़ लूंगा और बदला लूंगा चिड़िया का। वैसे ऐसा तो जो मैंने कहा था। किस्मत वाली है जो उसे तुम्हारे जैसा राजा मिला। काली, राजा को उसके काम के लिए परेशान मत करो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। दोस्तों, मैंने पूरी बात नहीं बोली थी। ये इन पक्षियों का आपसी मामला है, हमें इनके बीच नहीं पड़ना चाहिए। तुमने सही कहा बबलू। तुम लोग हो गया। हमें पता तुम क्या कहती। तुम कहती स्वीटी ने नहीं छोड़ा, पर ये अच्छा आइडिया नहीं है। सही कहा। इसका मतलब सुनहरे बास को सब कुछ नहीं पता। ये थोड़ा अजीब है कि उसे राक्षस के बारे में सब पता है। मैंने भी देखा, वो भी किसी तरह से जुड़ा हुआ है। हमें नहीं पता कि ये वही शख्स है। मुझे लगता है ये गोल्डन बाज ने उस शैतान को छुपा रखा है। और अगर हमने उससे जाकर पूछा तो शायद वो क्या खाना नहीं खाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें पेट भरने की जरूरत है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। डबलो, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खाना है,
मदद चाहिए क्या? नहीं, मैं कर लूंगा। ये लो ठीक है। मैंने सुना है कि तुम बब्लू डब्लू पार्क से हो। बहुत अच्छे। मैं भी बब्लू डब्लू पार्क में पैदा हुआ था, बहुत समय से वहाँ गया नहीं। मैं उस जगह को बहुत पसंद करता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या सुनहरा बाज सच में बहुत अच्छा है? हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं है बल्कि तेंदुआ भी आया था जिनकी हमारे राजा ने मदद की थी। सच है? हाँ? क्या उस तेंदुए की एक आँख खराब थी? बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम लोग तो बब्लू डब्लू पार्क से आए हो, ये तो संभव है कि तुम लोग उसे मिल नहीं पाए होगे। माफ करना, कल आसमानी यात्रा की प्रतियोगिता है, मुझे उस जगह को सजाना है। द स्काई टूर? तुमने इसके बारे में सुना नहीं? आसमानी यात्रा की प्रतियोगिता हमारे देश की शान है। हमारे राजा प्रार्थना करने के लिए आसमान में जाते हैं कि आगे आने वाले साल में सबके लिए बहुत अच्छा हो। अच्छा है ना? खूब जश्न मनाया जाएगा, सभी यहाँ आएंगे। अरे तुम सो गए क्या? हो सकता है सुनहरा राजा बिल्कुल भी बुरा आदमी ना हो। सिर्फ एक ही तरीका है सच पता लगाने का, क्योंकि तुम पंख तोड़ने वाले राक्षस को संभाल लोगे, हम चलते हैं। तुम लोग अपना ख्याल रखना। चलो भी जल्दी करो। कौन है वहाँ? लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। बड़ा अजीब है, ये कोई खेलने का वक्त नहीं है। मैंने सुना है यह कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सुरक्षा है, यही सुनहरे बाज का कमरा होगा। महाराज, आपने जो मंगवाया था मैं ले आया। एक आंख वाला तेंदुआ? बहुत अच्छे, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं पूरी सावधानी के साथ आया हूँ। खोलो इसे, जरा मुझे देखने दो। अभी लीजिए। तो ऐसा है? महाराज, मैं ठीक हूँ, बस एक मामूली सा घाव। हाँ। कौन है वहाँ? अब पता चला कि सुनहरा बाज हमारी मदद क्यों नहीं ले रहा था। माफ करना, क्या बोला तुमने? महाराज, यहाँ पर वही दोनों इंसान हैं। सैनिकों, हथियारे खिड़की के बाहर हैं। सुनहरा बाज ही पंख तोड़ राक्षस है। चलो निकले यहाँ से। कौन है? तुम हमें क्यों पकड़ना चाहते हो? सुनहरा बाज राक्षस है। इनके इरादे कुछ और हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, बंद करो इन्हें। जी हुजूर। लगता है वो दोनों भालू भी आसपास ही होंगे, ढूंढो उन्हें। भाई, लक्का और काली अभी तक बाहर नहीं आए हैं, क्या उन्हें कुछ हो गया है? तुम उस तरफ जाओ। मैं खाने के बाद थोड़ा सा टहल रहा हूँ। चल पा रहे हो? उड़ना नहीं जानते क्या? मैं तो उड़ना जानता हूँ। अरे तुम, वो चले गए, आओ चलकर चेक करते हैं। नहीं शुक्रिया, एक हाथ बोला तेंदुआ है। उन दोनों को पकड़ लो। यस सर। ओए भागो, भागने की कोशिश मत करो, तुम बच के नहीं जा सकते। रुको, मैंने कहा रुक जाओ, तुम बच के नहीं जा सकते। रुको रुको।